तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। फ्री लैपटॉप और स्मार्टफोन के बारे में लगातार लोगों का कमेंट आ रहा है कि कब से मिलेगा फ्री लैपटॉप और टैबलेट, कैसे हम इसकी डिटेल चेक करें। इसके बारे में एक नया वीडियो है जो आपको हम बताने वाले हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपी स्मार्टफोन लैपटॉप स्कीम, यूपी में कब मिलेंगे फ्री लैपटॉप और टैबलेट, कैसे चेक करें इसकी डिटेल, पूरी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। 10 दिसंबर का ये नया अपडेट है, न्यूज 18 पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो यूपी सरकार जल्द ही युवाओं को टैबलेट और लैपटॉप देने की योजना की शुरुआत करेगी। पहले लैपटॉप बांटने के बारे में जानकारी दी गई थी कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में बांटने की शुरुआत होगी, लेकिन अब स्मार्टफोन और टैबलेट दिसंबर में बांटे जाने के बारे में सूचना है। सरकार हर जिले के 1000 विद्यार्थियों को टैबलेट देने जा रही है। जानकारी के अनुसार हर जिले में कॉलेज में दाखिला लेने वाले 1000 विद्यार्थियों को सरकार टैबलेट का तोहफा देगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि वर्ष 2021-22 में 10वीं 12वीं स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल और नर्सिंग आदि विभिन्न शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़े युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। सरकार ने इस योजना के लिए आयु, लिंग, जाति जैसी कोई भी सीमा नहीं रखी है। तो दोस्तों, यह योजना उन सभी छात्रों को समान रूप से मिलेगा जो 2021-22 में पंजीकृत हुए हैं। इसके साथ ही उन छात्रों को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी भी होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश सरकार की फ्री लैपटॉप बांटने की योजना 10वीं 12वीं के प्रतिभाशाली स्टूडेंट को ही मिलेगा। तो आपको बता दें, कौन कर सकता है आवेदन? अगर आपने आवेदन नहीं किया तो आपको बता दें, सिर्फ यूपी बोर्ड के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की क्लास 12वीं की परीक्षा पास होना जरूरी है। 12वीं पास होने के बाद आपको बता दें, योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। स्टूडेंट कम से कम 65% या उससे ज्यादा अंक प्राप्त किया हो, क्योंकि मेरिट के आधार पर ही टैबलेट, स्मार्टफोन और लैपटॉप दिया जाएगा। पैसे की कमी के कारण लैपटॉप नहीं खरीद पाने वाले छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा और इसके लिए उनको आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा। आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट आप समझ लीजिए, आवेदन करने वाले के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं की मार्कशीट होना जरूरी है, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर भी होना जरूरी है। ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है आप इसको समझ लीजिए, www.upcmo.nic.in पर जाना होगा। सरकार ने फ्री लैपटॉप और टैबलेट के वितरण के लिए एक नया पोर्टल बनाया है, डीजी शक्ति पोर्टल। आप वहां पे आवेदन भी कर सकते हैं, जानकारी भी जान सकते हैं अपनी मेल आईडी और पासवर्ड को डालकर। तो जल्दी इसका शुभारंभ करेंगे योगी आदित्यनाथ, डीजी शक्ति पोर्टल का, जिस पर आप जाकर ये सारी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और फ्री लैपटॉप और टैबलेट का वितरण 25 दिसंबर यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर होगा। तो इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके साथ शेयर किया गया है, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको सुझाव दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।